दोस्तों, ये है टॉलस्टॉय का हाउस। ये टॉलस्टॉय अंजल। उठाइए। की हाउस ये वो बिल्डिंग्स हैं जहाँ पे उनके जानवर्स वगैरह जानवर्स के एनिमल्स रहा करते थे, घोड़े वगैरह ये सारी चीजें रखी जाती थी। तो नहीं घूम सकते हम लोग भाई, वो गुस्से में है कि खुश है पता नहीं। गूज है ये, आई थिंक बड़े अटैकिंग गुस्से वाले होते हैं यूजली ये। जानवरों को देने के लिए चारा है और यहाँ पे सवारी की जा सकती है। सो कुछ की बात है जब ये सब चीजें बनाई गई थी। उस जमाने की लकड़ी के ये घर बने हुए हैं। खैर अभी भी बहुत सारे घर लकड़ी के बने होते हैं, चाहे कि बीम्स के, बट ये छप्पर वाला छत मैं पहली बार देख रहा हूँ। अभी बहुत सारे छत तो दिखते हैं, बट ये छप्पर वाला तो मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। इनफैक्ट अंदर पौधे लगे हुए हैं, इसका मतलब अंदर गर्म है। वाह,
कुचर स्काई हाउस। भाई ठंड बहुत है। हाँ चिल हो रहे हैं लिटरली, अगर शहर में -5-6 है तो यहाँ कम से कम -7-8 होना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, चूँकि एकदम आउटर एरिया है, खुला है, पूरा ग्रीन है, पास में नदी तालाब है, तो वैसे ही चिली हो जाता है एकदम, विंडी चिली। बट सपना पूरा हुआ, बड़ी तमन्ना थी यहाँ है देखने के लिए, और टॉलस्टॉय का घर और कहाँ वो रहते थे, कैसे वो रहते थे, वो सारी चीज़ें। ये एक तरह से जैसे अपने देश में रविन्द्रनाथ टैगोर हुआ करते थे, उन्हीं की श्रेणी के विद्वान थे, उन्हीं की श्रेणी के राइटर थे ये। और ये सब पुरानी पुरानी बिल्डिंग्स, वुडन, कैसे उस ज़माने में घर बनाए जाते थे, और ये अब नए ज़माने के बन रहे हैं। नए ज़माने की छत, एक्चुअली पुराने को ये मेरे ख्याल से उसका रिनोवेशन हो रहा है। जिंतिया ग्रैनरी, मेरे ख्याल से अब हम लोग काफ़ी घूम लिए, अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए। घुड़सवारी कर रहे हैं लोग, तब हम क्या घुड़सवारी करेंगे, जो कर रहे हैं उनको करने देते हैं। बट यार ये चीज़ बड़ी अच्छी है, ऐसी जगह पे रहना चाहिए, ऐसी की जगह रहने लायक जगह है। इस टाइप का आउटर्स में कहीं जंगल में घर लो, बनाओ, रहो। यहाँ टूर गाइड लोगों को ज्ञान देते हुए, अलग अलग ग्रुप्स हैं, लोगों को इसके बारे में बताया जा रहा है, कहाँ कैसे क्या है, क्या चीज़ें हैं। अच्छे से मेंटेन की गई है जी, जगह मेंटेन की गई, साफ सुथरी है, झाड़ियाँ नहीं है। हाँ, पूरा घूम कर उधर से आ गए।